बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब लोग थे ना, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? फर्स्ट लेक्चर है? हाँ, इनका भी हुआ था ना कल, आप भी थे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किए, लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर हुआ था, ये सेकंड लेक्चर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्या बोल रहे हो? पहले वाले जो है ना, हम कहते हैं डिवाइडर्स नहीं था हमारे फर्स्ट लेक्चर, मतलब आता टाइम डिवाइड नहीं था मेरे। अब अच्छा, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा आपने? हाँ, कोई बात नहीं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा ना स्टार्ट, तो वहां से स्टार्ट कर दो। ये वाला है वो आपका कवर हो जाएगा, बाद में फिर से कवर हो जाएगा। x less than equal to r, x is less than equal to r, आप लोग करो, चलो जल्दी करो। X is smaller than Y. More than Y. X is less than Y. Only less than Y. Achha. Yes, ma'am. Less than Y. Is less than Y. Okay. Less than equal to Y. आपको क्या है? Less than equals to Y. Okay. Yeah. Less than equal to Y. अरे हाँ, साइन लिखवा के देना आपको, साइन तो दिया था ना। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या अज्यूम करते, प्लस ही अज्यूम करते, प्लस ही अज्यूम करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस ही होता है ना, तो प्लस ही अज्यूम करो। प्लस माइनस ना? हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे तो प्लस ही होगा ना। प्लस 16 बोल रही हूँ मैं, प्लस माइनस 4 नहीं बोल रही, प्लस 16। तो क्या होगा बताओ? हाँ मैम, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस प्लस। माइनस प्लस का क्या होगा? प्लस और प्लस होगा, माइनस प्लस का प्लस और प्लस होगा ना, बोलो। प्लस और प्लस का क्या होगा? माइनस माइनस, प्लस और प्लस का माइनस माइनस होगा ना। उसके बाद माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस प्लस, प्लस प्लस। अब मैं चाहे किसी का आंसर क्या है? लेस देन इक्वल्स टू आर, आपका भी आपका आया पक्का? यहाँ पे क्या आएगा? 20 का दो फ्रैक्शन जिसका एडिशन 9 होना चाहिए, 5 और 4 आया। यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 प्लस 4 माइनस 4। यहाँ पे माइनस फोर और प्लस फोर में प्लस फोर बड़ा हो जाएगा, माइनस फाइव और माइनस फोर में माइनस फोर बड़ा हो जाएगा, माइनस फोर और प्लस फोर में भी प्लस फोर बड़ा हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। मैम एक बार वापस बताओ ना। नहीं समझा आपको? नो मैम।
आप लास्ट लेक्चर थे कल थे ले आप? नो मैम नहीं थे। अच्छा क्यों नहीं अटेंड किया? तबीयत नहीं ठीक थी मैम। अच्छा ऑनलाइन देखना चाहिए था आपको। ये सेकंड लेक्चर है ना, देखो क्या होता है पता है? दो इक्वेशन होता है। आप भी ध्यान दो, आपका नाम क्या है? राजश्री। आप भी ध्यान दो, ये देखो ये दो इक्वेशन दिया है, एक x का इक्वेशन है, ये y का इक्वेशन है, और हमें क्या करना होता है कि x और y जो है उनमें क्या रिलेशन है वो बताना होता है। वो ही बताते हैं कि एक तो एक x छोटा होगा या x बड़ा होगा, या x छोटा है और इक्वल भी है y के। अगर यहाँ पे डैश है ना इसके नीचे, तो ये इक्वल भी होता है, मतलब x छोटा भी है और x इक्वल भी है। ये मतलब हो गया x क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? x is greater than equals to y, मतलब x बड़ा है y से, ये मतलब हो जाएगा। और क्या होगा? x is equals to y। और पांच ये क्या हो गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा? x is equals to y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे x इक्वल्स टू y आएगा या x इज ग्रेटर देन आएगा y, या तो x इज लेस देन y, दोनों का दोनों साइन आ रहा है, तो इसका मतलब पांच ऑप्शन होगा, फिफ्थ ऑप्शन होगा। ये आपको ऑप्शन देंगे, ये पांच है ना वो ऑप्शन होगा क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन दो इक्वेशन दिया होगा, पांच ऑप्शन होगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। ये पांचों का पांचों का ऑप्शन सेम ही आएगा, यही ऑप्शन पूछेंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये वाला जो बोला मैंने प्लस प्लस लिखा है, ये देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है हमें साइन के लिए ये वाला बॉक्स देखना है। क्या करना है? अगर यहाँ पे प्लस प्लस साइन दिख रहा है तो डायरेक्ट क्या करना है? लास्ट में माइनस माइनस साइन देना। अगर यहाँ पे माइनस प्लस साइन होता तो क्या करना होता है? यहाँ पे प्लस प्लस साइन, समझा? तो यहाँ पे इसीलिए माइनस माइनस साइन, यहाँ पे माइनस माइनस आया। लेकिन ये जो है ना वो ये और ये वाला साइन हमें देखना है कि क्या इसका क्या मीनिंग है, कि 20 का ऐसा दो कौन सा फैक्टर्स होगा, दो ऐसा कौन सा नंबर्स आएगा यहाँ पे जिसको ऐड करेंगे तो नो होगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन 20 होगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन 20 होना चाहिए लेकिन उसका एडिशन 9 होना चाहिए। 5 और 4 है तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे तो 20 आ रहा है, समझा? ऐसे ही करना। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आता है, जो 4 का स्क्वायर 16 है तो यहाँ पे 16 ही आएगा, लेकिन वो प्लस और माइनस में ही आएगा हमेशा। अगर यहाँ पे क्यूब दिया होता तो वो हमेशा प्लस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका जो वैल्यूज आएगा वो प्लस और माइनस में ही आएगा, प्लस 4 और माइनस 4 आएगा। बट 18 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, हाँ 20 नहीं, चलो 25 ले लेते। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होता तो क्या आता? प्लस माइनस 5 होता, दोनों का दोनों वैल्यू आएगा, लेकिन प्लस और 5 दोनों आएगा, समझा? आपको समझा? किसको डाउट था? आपका नाम क्या है? यस मैम समझा। समझा ना? वो साइन जो देख रहा है वो क्वेश्चन के इसमें से साइन चेंज करना है ना, मतलब क्या बोल रहा है? जो अपन साइन चेंज करने वाले हैं वो माइनस प्लस वाला ना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही आपको, यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का साइंस ही है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना साइन प्लस प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लिया ना, इसलिए तो माइनस लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस था। ये क्वेश्चन का साइन है, ये जो चारों का चारों है वो क्वेश्चन का साइन है, वो ये और ये जो है चारों का चारों वो आंसर है हमारा, आंसर का साइन। अगर ये क्वेश्चन में से ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है माइनस प्लस होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस और प्लस में आंसर आएगा, समझा? ओके मैम। टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 7y
प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। हाँ, जब भी x के साथ कोई यहाँ पे कोई भी नंबर है x स्क्वायर के साथ या y स्क्वायर के साथ, इसको क्या करना है, 2 को लेना है और 18 को, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 2 36 होगा, तो 36 का दो फैक्टर्स आएगा जिसका एडिशन 13 होना चाहिए, समझा। जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा यहाँ पे या यहाँ पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है और उसका एडिशन 13 करना है। यहाँ पे कोई वैल्यू होता तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते और उसका एडिशन साथ लेते, समझा। मैम सीएनडी आएगा, सीएनडी आ रहा है, ओके यस। देखो 36 का ऐसा दो कौन सा फैक्टर है जिसका एडिशन 13 होगा। सीएनडी ओके, सीएनडी मैम ओके। नाइन और हाँ राइट, तो करो आगे करो सॉल्व। आपको साइंस भी पता है, साइंस क्या करना है बताना। हाँ बोलो मैम, अभी सीएनडी ऑप्शन है तो हाँ? आपने जो पहले पांच ऑप्शन लिखे थे उनमें से कौन सा ऑप्शन, उसमें से पांचवा ऑप्शन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, इसका मतलब सीएनडी हो गया ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND का फुल फॉर्म क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो पांच ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन आएगा x इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू है ना, नीचे टू डिवाइड भी होगा। ये जो आपका दो फैक्टर्स आया ना, उसको क्या करना है, दोनों को टू से डिवाइड करना है, दोनों को टू से कंपलसरी डिवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ जो भी वैल्यू होगा पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो भी दो वैल्यू जाएगा उसको डिवाइड करना है टू से दोनों को। ईशा प्रकाश लास्ट लेक्चर है तो इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है। हाँ लास्ट लेक्चर है, इसके बाद चलो पहले आप ये तो करो, नेक्स्ट बार एसआईसीए करोगे ना। हाँ ठीक है, एसआईसीए लेके ठीक है। कौन सा चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एसआईजी है क्या? हाँ एसआईसी है। आया आपको क्या आया यहाँ पे, नाइन और फोर आया राइट है, टू और टू ये भी राइट है, यहाँ पे क्या आया वैल्यूज 5 और 2 7 राइट है। और यहाँ पे मैंने बोला है ना साइन है, इसको साइन क्या साइन आएगा, यहाँ पे क्या साइन आएगा,
माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, माइनस प्लस को प्लस प्लस साइन आएगा, प्लस प्लस लिखो यहाँ पे, यहाँ पे भी माइनस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस साइन आएगा, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करो इसको टू से, नाइन को कितना, यहाँ पे माइनस प्लस है ना, प्लस अच्छा हाँ फाइव और टू फाइव टू ऐसे नहीं आए, इसका मल्टीप्लिकेशन भी ट्वेल्व आना चाहिए, मैंने ऊपर देखा ही नहीं, आपने लिखा फाइव टू, फोर और सेवन, फोर और थ्री आएगा, हाँ चार और तीन, चार और तीन का एडिशन सात होगा, और चार और तीन का मल्टीप्लिकेशन बारह होना चाहिए, इसको माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस को क्या साइन होगा, यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए, तो माइनस माइनस हटाओ ये प्लस करो इसको, यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दो दोनों को, इसको डिवाइड करो, नाइन को डिवाइड करेंगे टू से कितना आएगा, फोर पॉइंट फाइव आएगा, यहाँ पे एटीन और टू थर्टी सिक्स हो गया, जिसका एडिशन थर्टीन आना चाहिए, ऐसा कौन सा दो वैल्यूज है, नाइन और फोर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, और माइनस प्लस है, माइनस प्लस को क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्वेल्व का दो फैक्टर्स क्या आएगा, थ्री, फोर और थ्री, जिसका मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व होना चाहिए, जिसका एडिशन सेवन होना चाहिए, दोनों का एडिशन सेवन हो रहा है, माइनस प्लस का भी प्लस प्लस ही होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर पॉइंट फाइव और प्लस टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस फोर और प्लस थ्री, यहाँ तक आपको समझा, ये कंपेयर, कंपेयर कैसे करता है पता है ना, कंपेयर इसको पहले लो, फोर पॉइंट फाइव और फोर में से फोर पॉइंट फाइव बड़ा है तो ये साइन आएगा, 4.5 और 3 में से 4.5 बड़ा है तो यही साइन आएगा, 2 और 4 में से 4 बड़ा है तो ये साइन आ गया, जैसे ही दोनों का दोनों साइन रिपीट हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, 4.5 हो जाएगा ना, इधर नंबर सेम है इसके लिए अपने को पॉइंट में नंबर लिखना पड़ा ना मैडम, हाँ नंबर यहाँ पे भी फोर था, यहाँ पे भी फोर था ना, इसके लिए पॉइंट में लिखना पड़ा, वैसे पॉइंट से ज्यादा ही आ रहा है वो तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फोर है और पॉइंट से यहाँ पे ज्यादा है तो यही नंबर बढ़ाएगा क्योंकि दोनों का साइन भी प्लस ही है, इसके लिए समझा, डाउट है पूछो पूछो, क्या डाउट, मतलब क्या, ये वाला बोल रहा हूँ, ये इसको क्या करना, पहले इसको देखो 4.5 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4.5 बड़ा है तो यही साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, 4.5 और 3 में से 3 यहाँ पे 4.5 बड़ा है तो यहाँ पे 4.5 बड़ा हो गया, टू और फिर इसको देखो, इसको दोनों पहले ये लो नंबर, दोनों को कंपेयर करो, फिर ये नंबर लो और दोनों को कंपेयर करो, फिर ये और इसमें कौन सा बड़ा है, चार बड़ा है तो ये दोनों का दोनों साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, सी एन डी आएगा ना, समझा आपको नहीं समझा, ये डिवाइड कैसे किया, ये बोल रहे हो आप, नाइन और टू को डिवाइड कर, अगर नाइन को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू फोर कितना होता है, एट होता है, एट होगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पे पॉइंट होगा क्योंकि टू को एक से डिवाइड नहीं उस कर सकते तो यहाँ पे जीरो आएगा, टू इंटू फाइव टेन होगा तो यही आया यहाँ पे 4.5, समझा ना, x square minus 3 equals to 2x, y square
प्लस फाइव वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। ऐड करके आते हैं करने तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉर्निंग में नहीं हुआ है ना, इवनिंग में हुआ है। हाँ एक ही बार अच्छा हाँ माइनस, लेकिन ये यहाँ पे आएगा तभी माइनस होगा। हाँ x is greater than y. x is greater than y. Okay. Yes. इसमें इक्वेशन x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसा बनेगा ना? हाँ ऐसा ही बनेगा, राइट। आंसर तो आया है ना, आंसर आया है, देखो आंसर भी आया है, वो तो बोल दिया मैंने। अरे मैम वो 16 का ना, 6 कैसे हुआ? अरे बाकी लोगों का आंसर आ रहा है, अब तो क्यों नहीं आ रहा है? अरे मैम वो 16 का ना, x greater than y, 16 था। हाँ तो बाकी लोगों को भी तो आंसर आ रहा है ना, आपका भी आना चाहिए ऐसे। तो 16 का फैक्टर नहीं पड़ता है, ओ प्लस फाइव आता ही नहीं, वही फाइव नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 ही आएगा। गायब जादू हो गया मैम, 6 हो गया डायरेक्ट। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है। मैम हमको हम पे डाउट आ गया, हमको आता नहीं है क्या मतलब क्वेश्चन? समझ समझो तो क्वेश्चन ही रॉन्ग था। कब से 16 का फैक्टर भी खोज रहे थे? क्वेश्चन रॉन्ग था लेकिन आंसर राइट है। आंसर आ गया, लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक नहीं, यहाँ पे मैजिक चल रहा है। मैडम वो 16 हो ही नहीं सकता एक्चुअल में। हाँ वो तो है ही, नहीं हो, इसलिए हमने 16 ले लिया। अभी बताओ क्या आएगा आंसर? x greater than y। यहाँ पे माइनस हो जाएगा x square
माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, अभी बन गया इक्वेशन, अभी सॉल्व कर सकते हो। रूट वाला क्या हुआ? रूट वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ रूट वाला भी लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ्री का फैक्टर्स जिसको माइनस करेंगे तो आंसर दो आना चाहिए, थ्री इंटू वन करेंगे तो आंसर दो आ जाएगा, थ्री इंटू वन थ्री होता है और उसको माइनस करेंगे तो आंसर दो आ रहा है यहाँ पे, तो तीन और एक हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ पे सिक्स कैसे होगा थ्री और टू प्लस प्लस है, एडिशन इसका फाइव हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन सिक्स हो रहा है, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ पे प्लस थ्री माइनस थ्री में प्लस थ्री बड़ा हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस टू में प्लस थ्री बड़ा हो जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री में प्लस वन माइनस वन बड़ा हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू में माइनस वन बड़ा हो जाएगा, तो ये चारों का चारों साइन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझा? डाउट है? पक्का समझा? अभी आप दोनों मत बताओ। फोर अपॉन रूट एक्स प्लस सिक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू फाइव रूट एक्स और वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव। इसमें 5x को लेफ्ट में भेजना पड़ेगा, 5 रूट एक्स को, 5 रूट एक्स नहीं तो किसको चाहिए था रूट वाला क्वेश्चन? मुझे ना साहिल। हाँ बताओ आंसर साहिल, बताओ x greater than y, x greater than y देखते CND आ रहा मैम। CND ओके। आपका नाम?
आपका नाम क्या है जिसका सीएनडी आया है? शोएब। शोएब, ओके शोएब। यस मैम। आया? देखो क्या करना है, रूट एक्स और रूट एक्स नीचे सेम है, सेम ही है ना, ऊपर क्या हो जाएगा फिर? यस फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, एक ही बार लेंगे क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, प्लस टू फाइव रूट एक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा टेन, रूट एक्स इक्वल्स टू फाइव रूट एक्स, तो टेन है ऊपर नीचे फाइव आ जाएगा, टेन डिवाइडेड बाय फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, फाइव डिवाइडेड बाय टेन कितना होगा टू होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बताया था मैंने आपको रूट एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स होता है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, रूट गायब हो जाएगा ना, रूट गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या आया टू आया यहाँ पे, समझा मैम? वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अच्छा ठीक है, अभी बता रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है 16 का, 25 का स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 हो जाएगा कितना आएगा 9, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है ना, तो y का आंसर क्या होगा प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पे 2 है यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 3 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 है यहाँ पे माइनस 3 है तो प्लस 2 बड़ा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा सी एन डी। समझा? हाँ ये 16 का और ये 25 का, पच्चीस का और ये 16 का है। हाँ हाँ, अभी 4 by 2 root x है तो क्या करते हैं? 4 by 2 root x और आगे वाला सेम क्वेश्चन 2 divided by root x होता आंसर। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? आप दोनों को पक्का समझो ना, क्या हुआ? 3x² माइनस 8x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, 3y² माइनस 19y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, नहीं नहीं हुआ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे माइनस 8 होना चाहिए, जो भी दो वैल्यूज आएगा उसका आंसर माइनस 8 होना चाहिए और यहाँ पे प्लस 19 होना चाहिए। बट मैम इससे पहले वाले में तो आप जो साइन है इसको इग्नोर करने बोलते थे। हाँ तो मैंने तो अभी भी बोला है, मैंने ये साइन को कभी इग्नोर करने को नहीं बोला है, ये वाले साइन को बोल रही हूँ, ये वाले साइन को इग्नोर करो, ये वाला साइन इम्पोर्टेंट है, ये वाला वैल्यू, ये वाला साइन और ये वाला वैल्यू, क्योंकि तभी तो समझेगा दोनों को माइनस करेंगे तभी 8 आएगा। तो आपने बोला था जो भी फैक्टर आएगा उसको प्लस करने के बाद 8 आएगा, आपने प्लस करने के बाद कब बोला था? यहाँ पे प्लस होगा तो बोला 8, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो 19 प्लस दोनों का एडिशन 19 होना चाहिए।
यहाँ पे थ्री भी तो होगा ना, 16 × 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो या मत करो, लेकिन इसका जो दो फैक्टर्स होगा उसको माइनस करेंगे तो आठ आठ होना चाहिए। सिक्सटीन का भी पार्ट करके देखो। x less than is equal to y. x is less than equals to y. Okay. CND आएगा मैम। CND आएगा। अच्छा ठीक है। CND आ रहा है आपका भी? Yes. नहीं नहीं CND मैम। CND अच्छा ठीक। CND CND अच्छा। CND ओके। आप में से किसी का आया CND? कोई बात नहीं, क्या आया 84 करो ही मत ना। फैक्टर जो दिख रहा है ना वही ले, वही लो, और वो बड़ा वाला जी यहाँ पे बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है, उसका टुकड़ा करो और वो देखो मल्टीप्लाई करके। इतना बड़ा मत लो कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। सिक्सटीन को और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखो आया वो। तो ये इसको पहले डिवाइड करो, दो 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 से तीन पार्ट कर दो इसका और थ्री ले लो एडिशन, जिसका 19 होना चाहिए। हाँ 28 का फैक्टर निकाला, ये भी इसको भी इंक्लूड करो उसमें और मल्टीप्लाई करके ऐसा दो फैक्टर्स निकालो जिसका एडिशन 19 होगा। हाँ वो भी चलेगा, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा ना आपके लिए, बड़ा नंबर होगा तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। जितना कम करोगे जितना कम वैल्यू होगा, ये वाला इसका फैक्टर्स निकाल के देखो दो, और इसको इसको थ्री आएगा, ये दोनों दोनों का फैक्टर्स कोई भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को और इसको, या तो इन दोनों को इसको। समझा? थोड़ा ट्राई करो आएगा आएगा। क्या किया यहाँ पे? 3 लिया, 84 हाँ। ट्वेंटी एट को और दो पार्ट में करो, और दो पार्ट में करो, 28 और दो पार्ट में किस किस होगा? सेवन फोर थ्री आया। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखो और इसको ऐड करो, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको ऐड करो, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको ऐड करो। समझ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आया CND आ रहा है? स्टार्टिंग में होगा इससे, स्टार्टिंग में इसीलिए तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में अपने आप क्लिक होता है, इतना टाइम नहीं लगेगा।
आ रहा है दोनों कौन एडिशन 19 तो क्यों नहीं लेंगे वही लेंगे ना आपका आया डिवाइडेड बाय करना हो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करना दोनों में भूलो मत सिक्सटीन और थ्री का क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिक्सटीन का और दो पार्ट कर दो हमें सिक्सटीन और थ्री यहाँ पे लिख दिया मैंने हमें दो पार्ट दो फैक्टर्स चाहिए उसके लिए क्या कर दो तीन फैक्टर्स में कर दो यहाँ पे फोर है ना यहाँ पे सिक्सटीन है ना फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो सकता है इंटू थ्री मतलब ये तीन मिल गया अबे इसमें से हमें दो ही ऐसा वैल्यूज निकालना है जिसका जो जिसको माइनस करेंगे तो एट आएगा ये देखो फोर इंटू थ्री कितना होगा ट्वेल्व होगा और यहाँ पे फोर आ जाएगा माइनस एट आ रहा है ना माइनस एट तो ऐसे ही करना है यहाँ पे तीन पार्ट आ गया दोनों में से कोई तो मल्टीप्लाई कर दो और एक वैल्यू यहाँ पे लिख दो या तो ये दो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे ये एक वैल्यू यहाँ पे लिख दो यहाँ पे आया दो फैक्टर समझा ये ट्वेल्व आया ये फोर आया यहाँ पे डिवाइडेड बाय थ्री होगा दोनों में माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस समझ रहा है ये आया हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया 28 का दो फैक्टर्स निकालो 7 और 4 7 इंटू 4 होता है 3 भी लेना है ना 3 भी लेना मतलब तीनों का तीनों वैल्यू लेना है मतलब 28 भी हो गया 3 भी हो गया इसमें 28 3 हो गया 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा और यहाँ पे 7 लिख देंगे आ रहा है 19 यहाँ पे क्या किया मैंने 3 4 इंटू 3 क्या क्या आया 12 आया ये दोनों नंबर कैंसिल हो गया क्या बचा 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 मतलब तीनों का तीनों अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 28 इंटू 3 कितना होता है बोलो 84 तो ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो 84 आ रहा है वही चाहिए ना हमें कि दो कोई भी फैक्टर्स हो इसका मल्टीप्लीकेशन करके 84 आ रहा है तो 84 का ऐसा कोई भी दो फैक्टर्स हो जिसका एडिशन 19 होना चाहिए ये दोनों 19 कर यहाँ पे 12 प्लस 7 करेंगे तो 19 आ रहा है यहाँ पे 19 आ रहा है 12 प्लस 7 करके देखो 19 आ रहा है हमें यही चाहिए मतलब ये राइट है हमारा समझा तो यहाँ पे 12 और 7 आया इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से और यहाँ पे माइनस प्लस है माइनस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड कर दो 3 इंटू 4 होगा डिवाइड किया मैंने 3 से यहाँ पे 1.33 आएगा डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस 4 आया यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही ये जो वैल्यू है वो डिवाइड करके आ रहा है यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.33 कुछ तो आएगा यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है दोनों सेम है इक्वल्स टू लिख देंगे दोनों सेम है तो 4 और 4 सेम है इक्वल्स टू लिख दिया यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है 4 बड़ा हो गया यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है माइनस 1.33 और 4 ये बड़ा हो गया ये दोनों का दोनों वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सीएनडी हो जाएगा दोनों का दोनों आगे करने का जरूरत ही नहीं है अगर ये दोनों का दोनों आ रहा है तो सीएनडी होगा ज्यादा सब करने का जरूरत नहीं है 3 से डिवाइड तो करना ही है लास्ट में जो लास्ट में आंसर आएगा जिसको यहाँ पे माइनस हो रहा है ये दिख रहा है हमें माइनस यहाँ पे 80 आएगा तो लास्ट में यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 कर यहाँ पे डिवाइड किया माइनस 3 से डिवाइड किया 4 को तो 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा 3 इंटू 1 3 होता है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा पॉइंट दिया यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 हुआ 3 इंटू 3 9 होता है 3 इंटू 3 9 होता है तो 3 लिख दे यहाँ पे फिर 10 बचेगा क्योंकि 1 बचा यहाँ पे 0 आ जाएगा अपने आप फिर यहाँ पे 3 लेंगे हम समझा Thank you.
डाउट है दोनों को तो पूछो, डाउट है फिक्स। अच्छा अच्छा लेकिन वो कोई भी लैंग्वेज हो लेकिन मैथ्स तो मैथ्स ही होता है ना, नंबर्स तो वो ही आएगा, डिवाइड वो ही होगा वैसे। हाँ 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 अच्छा अच्छा ओके मैम, ये 28 का बताना। तो 28 का मैंने क्या किया देखो, दो फैक्टर्स निकाले। हाँ आपको ही बोल रही हूँ मैं, 7 × 4 28 होता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 एज इट इज लिख दिया। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई भी वैल्यू आएगा उन दोनों का, उसका दो फैक्टर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी बड़ा वैल्यू होगा ना तो क्या करना, देखो ये वाला 3 एज इट इज लिख दो यहाँ पे, और ये वाला जो नंबर है उसका 2 से 3 फैक्टर्स निकालो, तो तभी आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा नंबर है उसको 2 से 3 फैक्टर्स निकालो। अभी 28 है, उसको अगर 7 × 4 करेंगे तभी आता है 28। 7 × 4 = 28 आता, तो यही 3 है जो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 × 3 जो 84 है वो ही आएगा। 7 × 4 × 3 करेंगे 84 आएगा। तो यही नंबर्स का हमें फैक्टर्स निकालना है। ये 3 नंबर मिल गया तो इसका क्या करना है, कोई भी 2 फैक्टर्स निकालना, कोई भी ऐसा 2 फैक्टर्स निकालना है जिसको ऐड करेंगे तो आंसर 19 होना चाहिए। जिसको ऐड यहाँ पे प्लस है तो जिसको ऐड करेंगे तो आंसर 19 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों लेंगे और एक ये ले लेंगे। 7 × 3 कितना हो गया, 21 हो गया। क्या बचा, 4 बचा। इसका एडिशन 19 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 × 4 लो, 28 और 3 हो गया। इसका एडिशन 19 है, नहीं है। 4 × 3 लो, कितना हो गया, 12 हो गया। क्या बचा, 7 बचा। इसका एडिशन क्या हो रहा है, 12 और 7 19 हो रहा है। तो ये वाला राइट है, ऐसे ही करना है बड़े नंबर्स के लिए। टोटल मल्टीप्लीकेशन 84 ही आना चाहिए। x² + 16x + 63 = 0, y² + 13y + 42 = 0। x < y okay yes ma'am x > y okay x > y okay नो मैम, वो माइनस में ना साइन, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैम। पहला वाला ऑप्शन राइट है, पहला वाला आ रहा है। ओके हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं लेना, इन दोनों इसका ही दो फैक्टर्स निकला जिसका एडिशन 16 होना चाहिए। हाँ आ गया, तो इसका निकालो। हाँ यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे वैल्यू नहीं, तो क्या डिवाइड करेंगे। तो इसका दोनों का आ गया आपका। हाँ इसका भी निकालो फिर मैम, ये पक्का 5 मार्क्स के लिए आएगा मैथ्स में। हाँ आता है 5 मार्क्स के लिए, बस इसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए रहेगी बस। हर एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, फ्री में, बैंकिंग में। आया सेकंड का, तो कंपेयर करो।
दो वैल्यूज आया, कंपेयर करो। यहाँ पे साइन भी पता है आपको क्या देना है, माइनस माइनस ही होगा, माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस। हेलो मैम, कंपेयर करो। हाँ बोलो बोलो। बैंकिंग के मेंस में नंबर सीरीज नहीं आता है ना? बता नहीं सकते, कभी कभी वो लोग 5 मार्क्स के लिए सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं या 5 मार्क्स के लिए नंबर सीरीज भी दे सकते हैं, और कभी अभी जो आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाई लेवल वाला होता है। जो नंबर सीरीज आता है वो थोड़ा लेवल वाला होता है, हाई लेवल होता है, लेकिन आता है। मैम, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। ओके, आया, कंपेयर किया, करो करो, कंपेयर करो। आपका आया? नहीं समझा नहीं आपको। 63 एडिशन 16, ऐसा कौन सा वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, वो पहले देखो 63 किसके टेबल में आएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 63 आएगा। हाँ तो 9 और 7 आया, दो वैल्यूज, दोनों का एडिशन 16 आ रहा है ना, तो वो राइट है, ऐसे करना है। यहाँ पे भी देखो 42 किसके टेबल में आएगा, ऐसे कौन से दो वैल्यूज है जिसका जिसके टेबल में मतलब 42 आएगा जिसका एडिशन 13 होगा। 7 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 42। 7 और 6 आया, दोनों का एडिशन 13 आ रहा है, तो ये राइट है। और आपको साइन का पता है ना, यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, माइनस 7 और माइनस 9 में क्या बड़ा होता है, माइनस 9 का भी बड़ा नहीं होगा, माइनस 7 जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है जब माइनस साइन आता है। दोनों माइनस है तो माइनस 7 बड़ा होगा, माइनस 6 और माइनस 7 में क्या बड़ा होगा, माइनस 6 बड़ा होगा। वैसे कंपेयर करना, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 6, यहाँ पे क्या है 7 है, माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 6, दोनों को कंपेयर करना का कितना आया। यहाँ पे 7 और 9 आ रहा है, और यहाँ पे हाँ 7 और 6 है ना। सिक्सटी थ्री का क्या आएगा, 9 और 7 प्लस प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस। 42 का क्या दो फैक्टर्स आएगा, 7 और 6 प्लस प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 7 में क्या बड़ा होगा, माइनस 7 बड़ा होगा, माइनस 7 माइनस 9 और माइनस 6 में माइनस 6 जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। माइनस 7 और माइनस 7 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस 7 क्या बड़ा होगा, माइनस 6। तो आंसर क्या आएगा, ये तीनों सेम साइन आ रहा है तो ये एक बार आएगा, और ये इक्वल भी है तो इक्वल आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। हेलो मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं इसका
कब माइनस करना है और कब प्लस करना है तो मिडल का वैल्यू आता है मतलब ये वाला वैल्यू ये वाला जो साइन है उस पे डिपेंड है. यहाँ पे माइनस है तो दोनों का माइनस होगा उसका आंसर 3 होना चाहिए. यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो उसका एडिशन 15 होना चाहिए. ये वाला साइन देखो ये वाला और ये वाला समझा. सीएनडी आएगा मैम. सीएनडी आ रहा है मैम. सीएनडी आ रहा है मैम. सीएनडी आ रहा है. ओके सीएनडी 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 सबका सीएनडी आ रहा है. आपका आया ट्वेंटी इंटू टू करके माइनस 3 आना चाहिए उसका आंसर. मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 3 होना चाहिए. यस मैम सीएनडी सीएनडी आ रहा है. ठीक इसको 20 को क्या करेंगे. सबसे पहले 20 का दो फैक्टर्स निकालो. 20 किसके टेबल में आएगा. 5 और 4 के टेबल में आएगा. 5 और 4 और ये दो इसको भी लेना पड़ेगा. ये जो दो है उसको भी लेना पड़ेगा. अभी तीनों में से देखो कि तीनों दो दो लेके देखो. दो एक बार और ये एक बार ऐसे लेके देखो कि जिसको माइनस करेंगे तो 3 आंसर आना चाहिए. 5 इंटू 2 करके देखो. 5 इंटू 2 10 आएगा और 4 इसका माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है. हमें 3 चाहिए तो ये नहीं होगा. 5 इंटू 4 कितना होगा. 20 और 2 आएगा. यहाँ पे भी नहीं हो रहा है. ये दोनों लेके देखो. 4 इंटू 2 कितना होगा. 8 होगा. क्या बचेगा. 5 बचेगा. इन दोनों को माइनस कर रहे तभी 3 आ रहा है. तो ये राइट है हमारा ऑप्शन दोनों का दोनों. और यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 करना ही है. यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस का क्या हो रहा है. माइनस और प्लस हो रहा है. ये आ गया. इसके बाद ये देखो 28 किसके टेबल में आएगा. 7 के टेबल में. 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 28 इंटू 2. हाँ तो वो तो करेंगे ना. यहाँ पे तो 2 आ रहा है ना. यहाँ पे 2 लेंगे हम. 7 4 और 2 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 28 इंटू 2 56. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 56 आ रहा है. लेकिन हमें एडिशन यहाँ पे क्या चाहिए 15 होना चाहिए. 7 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14 और 4 एडिशन 15 नहीं आ रहा है. 7 इंटू 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो रहा है. 4 इंटू 2 करके देखो. 4 इंटू 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है. और यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा. 7 और 8 दोनों का एडिशन कितना होगा 15 होगा. तो ये दोनों राइट है. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. यहाँ पे प्लस प्लस है. प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस. माइनस हो जाएगा. इसको डिवाइड करो माइनस 4 होगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा. इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 होगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा. माइनस 4 माइनस 4 सेम हो गया. माइनस 4 माइनस 3.5 माइनस 3.5 बड़ा हो गया. प्लस 2.5 और माइनस 4 ये बड़ा हो गया. मतलब ये दोनों साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया CND.
समझा? हुआ? P माइनस 2744 ये किसमें है? क्यूब रूट में है. ये इक्वल्स टू जीरो और क्यूब प्लस अंडर रूट 196 इक्वल्स टू जीरो. पी थ्री थ्री क्यूब रूट, क्यूब रूट यहाँ पे अंदर थ्री लिखा है, ये क्यूब रूट है. स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है तो वो स्क्वायर रूट होता है. यहाँ पे अंदर थ्री लिखा है, तीन लिखा है तो क्यूब रूट होगा वो. P और Q का क्या क्या? X greater than equal to Y. मतलब P और Q ना? Greater than equal to Y. Greater than equals to Y. Equal to हाँ. Greater than equals to Y. Yes ma'am. P greater equals to Y. X greater than Y. Greater than Y. Okay. हाँ. Three ने divide नहीं करा. क्यों ना मतलब मैम को पता होगा शायद. क्यों ग्रुप हाँ हेलो नहीं मैम ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ सेम ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ तो किसका लिखा आपने यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस है यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा मतलब अंडर क्यूब रूट 2744 ये हो जाएगा ऐसे तो ये किसका क्यूब है 2744 का है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा प्लस 14 में ही आएगा आंसर यहाँ पे आया प्लस 14 ये क्या हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 196 हो जाएगा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा तो क्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू किस में आएगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर है 196 तो माइनस में आएगा यहाँ पे माइनस 14 है यहाँ पे प्लस 14 है दोनों में क्या बड़ा होगा पी बड़ा होगा
एक्स बड़ा होगा। प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे कैसे? माइनस टू प्लस दोनों में प्लस ही होता है, हमेशा प्लस ही आएगा। हेलो हाँ बोलो। हाँ मैम वहाँ पे प्लस 14 प्लस 14 आएगा क्या? क्या ओनली यहाँ पे तो प्लस 14 ही आएगा, प्लस 14 आएगा। यहाँ पे माइनस 14 आएगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साइन का मतलब ये बाहर है साइन, तो ये बाहर का जो साइन है वो वैसे ही रहेगा ना एज इट इज। समझा ये डाउट है इसमें? ये 14 का क्यूब है और ये 14 का स्क्वायर है, दोनों 14 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसके लिए ये बड़ा हो। मैम यहाँ पे 14 प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस कभी नहीं आएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसमें प्लस मैंने बोला था हमेशा प्लस ही आएगा, तो हमेशा प्लस ही आएगा, तो इसीलिए प्लस आया। लेकिन वो जो माइनस था वो बाहर था साइन, ये यहाँ पे अगर प्लस है और इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे जाएगा तो वो माइनस ही होगा। ये माइनस वो साइन था, वो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट की वजह से नहीं आया था, वो साइन प्लस ही आएगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अगर माइनस साइन है उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना हम, समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल्स टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, x is greater than y, ठीक है? x greater than y। x is greater than y। okay। yes ma'am same। सिंपल है, ये किसके टेबल में आएगा? 66 है, किसके टेबल में आएगा? x is greater than y। तो यहाँ पे मिल रहा है ना दोनों का एडिशन 17। हाँ और वहाँ पे 5 3। मैम रोहित सर का लेक्चर नहीं हो रहा है? हाँ बोलो। रोहित सर का लेक्चर नहीं हो रहा है? होगा ना अभी, ये फ्राइडे सैटरडे में होगा उनका लेक्चर। वो मतलब कि आई नहीं, मतलब ये मैथ्स का हो रहा है, मुझे क्या पता क्यों रीजनिंग का नहीं हो रहा लेक्चर। नहीं नहीं ये अभी फ्राइडे सैटरडे में होगा उनका लेक्चर, ठीक है? ओके मैम। 66 क्या होगा? 11 into 6 करेंगे तब भी 66 आता है। यहाँ पे एडिशन क्या चाहिए? 17 चाहिए, दोनों का एडिशन 17 हो रहा है यहाँ पे 11 प्लस 6। यहाँ पे माइनस प्लस साइन है, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा? दो फैक्टर्स 5 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। 11 5 और 3 दोनों से बड़ा है, 11 5 और 3 दोनों से बड़ा है ना, 5 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y। मैम
मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x ग्रेटर देन y ऐसे ही समझ आते हैं क्या एग्जाम में? खाली यही एक ही टाइप के, एक ही टाइप का मतलब ये हाँ, इक्वेशन ये बोल रहे हो आप? हाँ ऐसे और ही वेरिएशन नहीं है ना? नहीं, पहले क्यूब का भी आता था लेकिन अभी वो पैटर्न ही नहीं है, क्यूब का आता था अभी नहीं आता। क्या हुआ बोलो? लीनियर का भी तो आता ही है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो एक्स स्क्वायर का दे देंगे आपको वैल्यू, वो पूछेंगे या तो वाई क्यूब का ऐसा वैल्यू होगा, ये भी क्वेश्चन में आता, अभी ये आता है ऐसे टाइप का आता है, और वो जो मैंने बोला था वो अभी आता नहीं है, जैसे मैंने मतलब अभी के ट्रेंड में तो नहीं है पैसा, अभी जैसे आता ना ये ऐसा आएगा, या तो वाई क्यूब का पूछेंगे या तो एक्स स्क्वायर का पूछेंगे, या तो रूट में वैल्यू होगा, कोई वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू रूट समथिंग, ऐसा वैल्यू होगा, ऐसा पूछेंगे। बाकी तो मतलब क्यूब वाला वैसा था, वो भी पैटर्न नहीं आता है वैसे एग्जाम में, अभी नहीं आता है। रूट वाला इतना हार्ड नहीं है देखा जाए तो, अभी ये आपको अगर दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट समथिंग दिया है, ये तो आप बता सकते हो अगर आपको पता है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिया होगा वो तो पता है ना, ये वाला नहीं ना, अभी मैंने बोला था उसके पहले, हाँ वन अपॉन रूट एक्स वाला, हाँ वो तो मैंने बताया ना आपको कैसे सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा सा अलग होगा उसमें अगर देंगे तो, थोड़ा सा अलग करके देंगे। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो रूट एक्स और रूट एक्स नहीं सेम रहेगा तो? वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जो लास्ट में एक्स आएगा या तो एक्स स्क्वायर आएगा, लास्ट में आंसर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स आएगा, ऐसा ही आपको क्वेश्चन देंगे कि लास्ट में एक्स आ सकता है या एक्स स्क्वायर आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वो टाइम पे। जैसे आपको पता है रूट एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आता है, ये पता है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एक्स रूट एक्स दिया होगा या एक्स रेस टू वन बाय टू दिया होगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, रूट एक्स ही होता है। एक्स रेस टू वन बाय टू दिया होगा तो इसका मतलब भी रूट एक्स ही होता है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 729, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144। चलो जल्दी बताओ, तो बताओ आंसर बताओ। नाइन का है ना? मैम सीएनडी, सीएनडी आया, सीएनडी आपका आया, आपका आया क्या आंसर? आपका आया ओके, इसका क्या आएगा? एक्स का क्यूब 729 है, इसका क्या आएगा? प्लस 9 आएगा, क्यूब है ना 3 है ऊपर, ये प्लस में ही आएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस 9, प्लस 9 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 144, 12 का है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आएगा आंसर, प्लस 12 माइनस 12, तो ये क्या हो गया? प्लस 12 माइनस 12, और यहाँ पे 9 है, 9 और 12 में क्या बड़ा होगा? 12 बड़ा होगा यहाँ पे,
और 9 और माइनस 12 में 9 बड़ा होगा तो सी एंड आ गया। का पार्ट करो सबसे पहले, 50 का दो पार्ट करो, इजी पड़ेगा। दोनों का एडिशन 20 आना चाहिए यहाँ पे। दो पार्ट इसका करो और थर्ड पार्ट क्या आएगा, दो, ये वाला दो आएगा और यहाँ पे दो पार्ट करो जिसका एडिशन यहाँ पे 20 आना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे, ये 8 और 5 10 5। हाँ, x less than y, x is less than y, okay. Fifty into two, कितना होता है? 100 होगा ना? 100 into 200, 10, 10. तो ये चाहिए ना, 20 चाहिए। 100 कैसे आएगा? 10 into 10 करेंगे तो भी 100 आएगा। X less than equal to y. Less than equals to y. Okay. X less than y. Less than y. आपका क्या? X is less than equals to. Less than equals to y. Greater than equals to. Okay. Less than. X. Y is greater than x. Y is greater than x. First part. X is less than y. Less than equals to y. Less than y. यहाँ पे 50 into 2 करेंगे कितना आता है? 100 आता है। और 100 का दो पार्ट करेंगे जिसका एडिशन 20 होगा, क्या आएगा? 10 और 10 आएगा, 10 into 10 100 होता है और 10 plus 10 20 होता है। तो ये 10 और 10 ही आएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तभी 20 आ रहा है। समझा? समझा ना? यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, सुनाई नहीं दे रहा मैम। मैम आवाज गया मैम। कहाँ तक आवाज आ रहा था? ये वाला टू, टेन अपॉन टू, ये यहाँ पे माइनस फाइव आया, यहाँ पे भी माइनस फाइव आया, यहाँ पे प्लस फाइव और माइनस फाइव, क्योंकि ये स्क्वायर है फाइव का तो प्लस माइनस में आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस में आया, ये माइनस फाइव और प्लस फाइव में प्लस फाइव बड़ा हो जाएगा, माइनस फाइव और माइनस फाइव इक्वल हो जाएगा, माइनस फाइव और प्लस फाइव में प्लस फाइव बड़ा हो जाएगा, माइनस फाइव इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन आएगा
x is less than or equals to y, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस का आंसर क्या होगा माइनस माइनस होगा ना दोनों माइनस माइनस आएगा मैम ये 100 का कैसे निकाला वो बताओ ना 100 का मैंने क्या किया 50 इनटू 2 किया 100 आया हाँ. ये समझा और हमें हाँ. क्या चाहिए एडिशन 20 चाहिए तो 10 और 10 कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आता है और 10 और 10 को ऐड करते हैं तो 20 आता है हाँ. आ रहा है ना ठीक मेडल का साइन देखना ही नहीं है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं ना माइनस भी रहेगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि ये डायरेक्ट आपको सोचना ना पड़े कंफ्यूजन ना हो डायरेक्ट इसके लिए वो रिवर्स करना पड़ता है पहले यहाँ पे देखो प्लस प्लस आ रहा है ना उसकी जगह पे माइनस माइनस होता है और वो इनवर्स होके लास्ट में प्लस प्लस साइन आता है तो जो लास्ट में आंसर आएगा जिसको आपको साइन देना है वो ही मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि आंसर का साइन होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 92 इक्वल्स टू जीरो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 84 इक्वल्स टू जीरो हम 13x माइनस क्या है 13x यहाँ पे 19x है नहीं 19x माइनस 92 ओके मैम सीएनडी आएगा सीएनडी 92 किसके टेबल में आता है 23 46 हाँ तो टू ना लेकिन माइनस यहाँ पे माइनस 19 होना चाहिए दोनों को माइनस करेंगे क्या तो प्रैक्टिस ये हुआ नहीं है कुछ क्लू नहीं मिलेगा तो क्या करना है 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके देखो 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके देखो कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यूज तो उसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा तो वो ही करना है जब बड़ा वैल्यू आता है तभी यही करना है सीएनडी है सीएनडी आ रहा है ओके सीएनडी ओके फोर्टी सिक्स डिवाइड प्राइम नंबर है 46 तो करो फोर्टी सिक्स से दिख रहा है यहाँ पे माइनस 19 नहीं दिख रहा है तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि उसको भी डिवाइड करो वो प्राइम नंबर है डिवाइड नहीं होगा और स्किप मत कर ये स्किप करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं आया ना तो एंडिंग
सेकंड का आया आप दोनों का इसको क्या करोगे टू से डिवाइड करो उसको ऐड करके देखो उसको माइनस करके देखो 19 आ रहा है नहीं आ रहा होगा तो और टू से डिवाइड करो दो वैल्यूज तो आएगा ना तो उसका उसको माइनस करेंगे तभी 19 आ रहा है तो राइट है नहीं आ रहा है तो और भी डिवाइड कर क्या आया माइनस नहीं डिवाइड 92 को डिवाइड करो टू से डिवाइड सेकंड का इसको डिवाइड करो ना करो डिवाइड क्या किया हाँ उसे किया 21 फोर जा 21 को और करो डिवाइड उससे डिवाइड होगा 21 किसके टेबल में आएगा 21 3 इंटू क्या 7 आपका आया चलो एक बताओ मैं एक वैल्यू पे आएगा चलो जल्दी करो सिक्स आ रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा इसको डिवाइड करेंगे तभी तो दूसरा वैल्यू आएगा नाइन्टी टू का क्या आया 23 फोर इसको माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है प्लस और माइनस है यहाँ पे प्लस और माइनस को क्या देंगे माइनस और प्लस देंगे 23 इंटू फोर 92 होता है ना तो ये आ गया इसको क्या करना टू से थ्री से डिवाइड करके देखो कि जो वैल्यूज आ रहा है वो राइट आ रहा है या दो तीन से चार वैल्यूज लो उसको मल्टीप्लाई करके देखो कि माइनस 19 होना चाहिए जब बड़ा वैल्यू होगा तो इसका क्या आएगा 6 आ रहा तो दूसरा क्या आएगा 14 आएगा ना 6 एक वैल्यू है तो दूसरा वैल्यू डिवाइड करेंगे 6 से तभी तो दूसरा वैल्यू मिलेगा देखो 84 है ना 84 को सबसे पहले क्या करो 4 से डिवाइड करो 4 मिल गया हमारे पास एक नंबर 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा 21 में दो वैल्यूज क्या मिलेगा 7 3 और ये क्या हो गया 4 ये तीन वैल्यूज मिल गया इनमें से हमें दो वैल्यूज निकालना है कोई भी जिसका वो माइनस करेंगे तो 8 आएगा 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 और 3 नहीं हो रहा है 4 इंटू 3 कितना होगा 12 और 7 हो रहा है
क्यों नहीं बताया आपने? क्लिक होना जरूरी है ना वो उस टाइम पे, बड़ा वैल्यू तो करो बाय 30 तक करोगे? ये क्या करना है, इसको जो फोर है उसको क्या करो, टू और टू लिख दो। अगर ये तीनों से नहीं आ रहा है तो इसको स्प्लिट करो, थ्री इंटू टू इंटू टू कर दो। थ्री इंटू टू कितना होगा, सिक्स होगा, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व और सेवन आ रहा है तो ये दो दो को करो। सेवन इंटू टू कितना होगा, फोर्टीन। थ्री इंटू सिक्स सिक्स हो जाएगा, ये दोनों का आ रहा है, आ रहा है ना, माइनस करेंगे तभी तो ये राइट हो गया। ये अभी लग रहा है आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है ना इसके लिए लग रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार में सबको से डिफिकल्ट लगता है। माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस 23 प्लस 14 ये बड़ा हो जाएगा, माइनस 23 माइनस 6 माइनस 6 बड़ा हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 14 में प्लस 14 बड़ा हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 6 है, प्लस 4 बड़ा हो जाएगा, तो ये आया सी एन डी। तीन साइन आए तो फिर इक्वल्स टू आएगा ना, क्या बोल रहे हो? तीनों साइन आए तो इक्वल्स टू आएगा ना, ये तीनों साइन बोल रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन वो सब आए तो? मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा, क्या बोल रहे हो? ग्रेटर और लेस देन और इक्वल्स टू आया ना, तीनों भी साइन आया, तीनों का तीनों, तो तभी तो भी तो CND आएगा। CND का मतलब मैंने क्या बोला, X is equals to Y और relation cannot be established, जो fifth option मैंने बोला था वो आएगा। CND मतलब भी fifth option होगा वो ही आएगा। ये तीनों आ रहा है तो भी यही option आएगा, ये दोनों आ रहा है तो भी fifth option ही आएगा, CND आ रहा है तो भी fifth option ही आएगा, समझा? या equals to, सिर्फ equals to आ रहा है तो भी fifth option ही आएगा, समझा? Okay. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो, फोर वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। एडिशन 13 होना चाहिए, सी एन डी मैम, सी एन डी ठीक है। सी एन डी x less than equal to y, ma'am. Ma'am, x less than is equal to y. Less than equals to y, ठीक है। आया? x less than equal to y.
मैम आपने पहले बताया था जब बड़ा नंबर आता है तो क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करते रहने का उस नंबर को। हाँ, दो 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 नंबर लेके मल्टीप्लाई करके देखो, जब बहुत बड़ा नंबर होगा ना तब वैसा करना है। दो डिजिट में इतना आपको करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए। जब थ्री डिजिट का नंबर होगा ना तब तब समझ सकते हैं, तब क्या करना है। दो से तीन से चार नंबर होगा, ये दोनों को और ये दोनों को करके देखो मल्टीप्लाई और ऐड करके देखो। या तो कभी कभी तीन को करना पड़ता है, तीन को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, या तो ये दोनों को और ये दोनों को करके देखो, ऐसे करना होता है। क्या क्या सेवन 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 हाँ x is less than equals to 1 less than equals to 1 होता है तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे 3 भी है ना, वो भी लेना पड़ेगा। तीन नंबर आया आपका मैम, स्टैंड आ रहा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, किसी दोनों को, इन दोनों को या तो इन दोनों को। x is less than or equal to y आ रहा मैम। सहानी सर कितनी होता है, क्या हुआ? X less than equal to y आ रहा है। ओके ठीक आया मैम, CND आ रहा है। CND आ रहा है। हाँ वन से डिवाइड किया, 0.28 वन को फोर से डिवाइड किया, वन को फोर से डिवाइड कितना आया, 0.5 हाँ माइनस ही आएगा, 0 को तो माइनस कर दिया, नहीं आ सकता ओनली जीरो नहीं आ सकता, जीरो के बाद प्लस जो साइन होगा उसमें 0.2 0.3 तब तो वन आएगा। तो CND आ रहा है मैम, दोनों में से छोटा कौन है वो बढ़ाएगा। CND आ रहा है। ग्रेटर देन अच्छा ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई आपका आ रहा है। हाँ दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, नो ये यहाँ पे क्या है, फोर है ना, फोर इंटू यहाँ पे दो है, एक किससे आया, दो आएगा। हाँ तो फोर इंटू टू करेंगे तो कितना आता है, एट, एट इंटू वन करेंगे तो क्या आएगा, हाँ तो एट इंटू वन 80 होता है ना। x is less than y, less than y या आया, सब आंसर सेम अलग अलग आ गया। किसी का x is greater than y आ रहा है, greater than y भी लिख दो मैम। वही बचा है अभी, यहाँ पे भी बोल दो कोई, x is greater than y बोल दो। CND second है, CND है, CND है, पांचों ऑप्शन मार्क करके आने का, ऐसा ऑप्शन कोई आपको देगा ही नहीं, पांचों ऑप्शन मार्क कर ही नहीं सकते भाई, एक मार्क मिलेगा फिर शायद, अगर हम सेने तो वो हमसे देर सेने, वो याद रखो। हाँ
यहाँ पे क्या होगा सेवन और टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री, एडिशन थर्टीन होना चाहिए। क्या करोगे सेवन इंटू टू फोर्टीन और थ्री एडिशन थर्टीन नहीं हो रहा है, सेवन इंटू थ्री कितना होगा ट्वेंटी वन और टू एडिशन थर्टीन नहीं हो रहा है, थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स और सेवन एडिशन थर्टीन हो रहा है। नीचे क्या आएगा डिवाइडेड बाय थ्री, डिवाइडेड बाय थ्री प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे फोर इंटू टू होगा एट, तो एट इंटू वन हो जाएगा नाइन, एट और वन होगा नाइन डिवाइडेड बाय क्या होगा फोर, यहाँ पे भी फोर प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर क्या होगा थ्री इंटू टू पॉइंट समथिंग होगा, मतलब पॉइंट से ज्यादा ही है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट दो है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट टू है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट टू आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट समथिंग है, जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव लेकिन जीरो पॉइंट समथिंग है। चलो यहाँ पे माइनस टू पॉइंट है मतलब ज्यादा है, यहाँ पे ओनली माइनस टू है, तो ये दोनों में से क्या बड़ा हो जाएगा माइनस टू बड़ा होगा, क्योंकि जो छोटा वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू और जीरो है, यहाँ पे जीरो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कम वैल्यू है छोटा वैल्यू है, यहाँ पे माइनस टू है यहाँ पे माइनस टू है दोनों इक्वल हो जाएगा, माइनस टू और जीरो में क्या बड़ा होगा जीरो बड़ा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा x is less than or equals to y। यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे प्लस होता तो यही बड़ा होता ना, टू के बाद पॉइंट है, जो प्लस में होगा ना वो उल्टा माइनस में हो जाएगा। समझा? x equals to under root 3136 और y square equals to 3136। same है। मैम x equal to y आएगा ना? x equals to y मैम, x greater than equals to y बताओ आंसर फिर क्या होगा? कोई कैलकुलेट नहीं करेगा 3136, पहले ही बोल रही हूँ कैलकुलेट नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा, पीछे नहीं देखेगा, कैसे से नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर बताओ इसका क्या आएगा, मैंने बोला है सबको कोई भी कैलकुलेट मत करो। 3136 किसका स्क्वायर है वो बताओ, क्या मालूम क्या मालूम? अच्छा 3136 मैंने बोला था आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, कैसे क्या है किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बताओ बताओ, लिखना नहीं है बिना लिखे बताओ। x greater than equal to 56 मैम। 56 कैसे 56? देखो बोला था मैंने 50 मतलब 2500 होगा, तो उसके बाद 51 से क्या करना है 26 से जाना है, 26 से जाना है, मैंने ये बोला था सबको 26। अभी ये 31 तक जाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा 26 27 28 29 30 और 31, ये क्या हो गया 52 53 54 55 और 56, और यहाँ पे 3136 है, 56 का है ना, थर्टी सिक्स
का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, मैंने क्या बोला था यहाँ पे ऊपर से नीचे जाना है, 0104091625 36 का स्क्वायर आएगा, बोला था ना 51 to 60, सबको पता है ना, ये याद आया? हाँ मैम, हाँ हाँ तो 56 का आएगा। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 56, ये प्लस होगा या प्लस माइनस होगा? प्लस होगा, प्लस है, प्लस माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा? खाली पॉजिटिव, प्लस माइनस, प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये स्क्वायर रूट है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 56, समझा? यहाँ पे स्क्वायर लिखा है इसके लिए प्लस माइनस आए, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस में ही आएगा और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो यहाँ पे प्लस 56 हो गया, यहाँ पे प्लस 56 और माइनस 56 होगा, यहाँ पे दोनों सेम हो गया, ये प्लस 56 प्लस 56 सेम हो गया, यहाँ पे प्लस 56 है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये बड़ा हो गया, तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y, लेकिन मैम दोनों तो सेम ही है मैम। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यही तो फर्क है, स्क्वायर रूट का अगर यहाँ पे आंसर आता है तो वो हमेशा प्लस में ही आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो उसका आंसर प्लस और माइनस में आएगा, देखो माइनस 56 इंटू माइनस 56 उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आता है आंसर, प्लस में आएगा, प्लस 3136 प्लस 56 इंटू प्लस 56 कितना आएगा, प्लस 3136, तो ये स्क्वायर रूट ही निकाल रहे ना हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहे, यहाँ पे स्क्वायर है उसको निकाल रहे, तो यहाँ पे माइनस 56 और माइनस 56 भी तो हो सकता है, तभी आंसर प्लस में ही आएगा, समझा? तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो भी प्लस ही आ रहा है, प्लस प्लस कर रहे तो भी प्लस ही आ रहा है, इसके लिए आंसर प्लस और माइनस दोनों में होगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो ये फिक्स्ड है, प्लस माइनस में ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, अगर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा, समझा? लेकिन मैम, मैम वाई स्क्वायर को अंडर रूट में लेंगे दोनों तरफ तो भी तो आंसर वही आएगा मैम, y स्क्वायर को, हाँ y स्क्वायर को अंडर रूट में लेंगे, बोथ साइड अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसा करेंगे तो भी तो आंसर वही आएगा मैम, अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर टू है, स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, अरे हाँ, यहाँ पे टू है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन सिर्फ वाई ही आएगा, यस मैम, सिर्फ वाई ही आएगा, यस मैम, और वो सर 3136 की तरफ भी तो अंडर रूट आएगा मैम, वो अंडर रूट लेने के बाद, अगर अंडर रूट बोलने के बाद यहाँ पे तो प्लस में ही साइन आएगा ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे अंडर रूट ले रहे तो यहाँ पे प्लस में ही साइन आएगा, लास्ट में प्लस 56 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका आंसर प्लस और माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे तो 3136 आएगा, प्लस प्लस को अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी प्लस 3136 होगा, यहाँ पे भी प्लस में ही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो या प्लस से मल्टीप्लाई करो, इसके लिए ये स्क्वायर है तो इसका आंसर प्लस और माइनस में ही होगा। हेलो मैम, हाँ खाली स्क्वायर में दो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, बाकी किस में नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर में ही होगा, क्यूब में प्लस ही आएगा, बाकी किसी में नहीं होगा, तो ही प्लस माइनस होगा,
अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो प्लस ही होगा, क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है तो भी प्लस ही होगा, यहाँ पे क्यूब है तो भी प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आंसर आए, मतलब खाली स्क्वायर के लिए होगा वैसा। हाँ सिर्फ स्क्वायर के लिए होगा। अंडर रूट 1225 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4900 इक्वल्स टू जीरो, 81 1/4y प्लस 343 1/3 इक्वल्स टू जीरो। नहीं सॉल्व करना है क्यूब नहीं है वो 1/3 है। आया आंसर? नहीं मैम। क्या क्या किसका है? आपको आपको क्या लग रहा है राइट या रॉन्ग? आप नहीं थे क्या? नहीं अच्छा अच्छा ओके x greater than y अच्छा क्या हुआ x greater than y greater than y आपका नाम क्या है? मंदार। मंदार अच्छा मंदार बताएंगे आपको वो कहाँ से आते हैं। वन टू टू फाइव किसका स्क्वायर है? निकालेंगे वन टू टू फाइव लास्ट में फाइव है, लास्ट में यहाँ पे टू फाइव है, मैंने बताया था ट्रिक कैसे आएगा। वन टू टू फाइव ना यहाँ पे टू फाइव है, किसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो थ्री इंटू फोर करेंगे मल्टीप्लाई तो ट्वेल्व आता है, तो ये किसका हो गया 35 का स्क्वायर हो गया। थ्री इंटू फोर करेंगे तीन के बाद क्या आता है चार आता है, थ्री इंटू फोर यहाँ पे देखो 35 का बता दो, लास्ट में फाइव है ना तो क्या लिख दो, लास्ट में कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे फाइव है लास्ट में क्या लिख दो 25 लिख दो। इसके ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे थ्री है, थ्री के बाद क्या आता है चार आता है, थ्री इंटू फोर कितना होगा 12 होगा, ये हो गया उसका स्क्वायर समझा। 45 का कैसे करोगे, लास्ट में फाइव है यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फोर के बाद क्या आता है फाइव आता है, फाइव इंटू फोर कितना होगा 20 होगा 2025 ये स्क्वायर हो गया समझा। अच्छा लिखना है तो फाइव से हाँ सिर्फ लास्ट में फाइव होगा उसके लिए।
नहीं, एक के बाद एक नंबर ही होना चाहिए। ये थ्री है तो उसके बाद चार ही आएगा, चार के बाद पांच ही आएगा ऐसे। हुआ तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। और 1225 किसका स्क्वायर है बोलो? 35 का। और ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, x आएगा। ये हो गया 35x इसका वैल्यू, प्लस 4900 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का है, 7 तो का 4900 किसका होगा, 70 का होगा, 70 का इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x 35x होगा इक्वल्स टू, ये यहाँ पे जाएगा माइनस 70 होगा, माइनस 70 ये x आया ना, स्क्वायर रूट के x, x स्क्वायर का x आएगा ना यहाँ पे, x माइनस 70 डिवाइडेड बाय 35, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। y का क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 लिखा है, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 1/4 लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आएगा y प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 आएगा, 343 इक्वल्स टू 0। समझा, ये 4 टाइम्स किसका 4 टाइम्स है, 81 किसका है 4 टाइम्स, किसका स्क्वायर है वो बताओ पहले, 3 ये किसका स्क्वायर है, 9 का, तो किसका 4 टाइम्स हो सकता है, 9 3 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 3y आ गया यहाँ पे, प्लस ये किसका क्यूब है, 343 7 का इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, 3y इक्वल्स टू माइनस 7 हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 चालू है सर, यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये ही बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो इसका बड़ा होगा कि x बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या कि x बड़ा होगा। मैम वो 3y कैसा आया, हेलो, हाँ बोलो, हाँ मैम वहाँ पे 3y कैसे आया, कहाँ पे, ये वाला 3y, हाँ राइट, हाँ ये 3 हो जाएगा ना, 3 का 4 टाइम्स कितना है, 81 है, हाँ यहाँ पे y as it is लिख दिया मैंने, ये जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का 4 टाइम्स 81 है, इसके लिए यहाँ पे 3 आया, 3 4 टाइम्स करके देखो 81 आ रहा है, ओके ठीक है, हाँ हाँ हो गया लिख के आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है। मैम एग्जाम में कौन से टाइप, मैम ये को हो गया हेलो एक सेकेंड अभी प्रॉपर है।
हाँ मैम अभी प्रॉपर है. मैम मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है. जो मैंने अभी लिए ना उसमें से ही आएगा, वैसा ही आएगा और कुछ अलग नहीं आएगा. जो मैंने आपका जो भी टाइप से उसमें कवर कर दिया वो ही 5 मार्क्स के लिए आएगा. नहीं मैम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. अलग अलग और अलग नहीं होगा मतलब कि यही जो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है यही टाइप्स के अलग अलग आएंगे ना. हाँ मतलब यही टाइप्स के आएंगे, यही टाइप्स में से आएंगे अलग अलग क्वेश्चन. ओके यहाँ पे ना डिवाइड किया मैंने 3 से 7. ठीक है आपका कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट लेक्चर क्या हुआ क्या हुआ नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ऐसी है लेंगे चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है चलो बाय बाय. थैंक यू मैम. बाय. थैंक यू बाय.